नाथ सरोज गवाया था उम्र गोवर से थी मेरी जब चूहे थे। आज हरियाणा में क्या स्थिति है मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। आज से 9 साल पहले एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनी देश में भी हरियाणा में, और 9 साल बहुत बड़ा टाइम होता है किसी भी सरकार के चाल चलन चेहरे नीति नियत और धरातल पे कोई परिणाम ज़मीन में क्या परिणाम आए उन सारी बातों को देखने के लिए कि सरकार किस दिशा में लेके जाना चाहती है प्रदेश को। बहुत लंबा समय होता है 9 साल। अब एक साल रह गए, एक साल के बाद लोकसभा का चुनाव है, साथ में बिगुल विधानसभा के चुनाव के भी बज रहे हैं, क्योंकि अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री आए थे अमित शाह आपके सामने हैं, वो कह के गए 2 दिन का उनका दौरा था। पहला दिन उनका दौरा कैंसिल हो गया था, गोहाना में रैली थी, थोड़ी सी हाजिरी कम थी गोहाना में, आपको याद होगा। तो पहले दिन तो उनका कैंसिल हो गया, ठंड बताई फरवरी में, बताया ठंड ज़्यादा थी इसलिए आदमी कम आए, थोड़ी थोड़ी बड़ा बूंद पड़ गई, ठंड ज़्यादा थी हैं, वो तो जो है किसी ठंड थी, वो तो ठंड तो उस दिन थी जब 6 जनवरी को हमने पानीपत में आपके आशीर्वाद से रैली करी थी, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस दिन जो है देश साल का सबसे ठंडा दिन था। लेकिन चलो वो एक उनका अपना था, तो पहले दिन कैंसिल हुई, मगर दूसरे दिन जब उन्होंने प्रोग्राम किया जाते हुए वो कह के गए कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव का ये भी तैयारी करो बीजेपी कार्यकर्ता, तो यानी कि 1 साल रह गया। 4 साल सरकार के होते हैं, आखिरी 1 साल जनता का होता है, जनता के सोचने का होता है, सोच विचार के फैसले करने का होता है, और विपक्ष के लोगों के बीच में जाके अपनी बात कहने का होता है। तो ये राजनीतिक बात है जो आज बात कि हम आपके बीच में अपनी बात कहेंगे, मगर उससे ज़्यादा आपको सोचना विचारना, आपने 9 साल ये सरकार देखी, इस सरकार में जो हरियाणा देश में मिसाल होता था विकास का, विकास के हर श्रेणी में हम देश में सबसे आगे के राज्यों में आते थे, विकास दर हमारा सबसे ज़्यादा था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खिलाड़ियों का मान सम्मान देश में, हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था कि खिलाड़ियों का मान सम्मान हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, कृषि उत्पादकता में, किसान के हकों के फैसले में, चाहे किसान के बिजली के बिलों की 1600 करोड़ के माफ़ी की बात हो जो कांग्रेस के राज में हुआ था, चाहे कोऑपरेटिव के कर्ज माफ़ी की बात हो, देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। गरीब आदमी के कल्याणकारी योजनाओं में कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले देश में हरियाणा का प्रथम श्रेणी में नाम था, चाहे 100-100 गज के प्लॉट की बात हो वो केवल हरियाणा में फैसला था, चाहे गरीब के मकान की बात हो, चाहे बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज़्यादा पेंशन लगातार 10 साल देश में सबसे ज़्यादा पेंशन उस समय हरियाणा में रही, और कुल मिलाकर आपस में भाईचारा खुशहाली अमन चैन शांति 10 साल तक कांग्रेस की सरकार में हरियाणा में कोई लंबा चौड़ा कहीं कोई आंदोलन करना किसी को सड़क पर आने की जरूरत नहीं पड़ी, और प्रशासन को भी पुलिस को भी और सरकार को भी गोली तो चलाने की दूर की बात है, किसी पर लाठीचार्ज भी 10 साल तक करने की कोई इस तरह की स्थिति हरियाणा में नहीं। आज वो हरियाणा आगे बढ़ रहा था और तेज़ से आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज वो हरियाणा 9 साल की इस बीजेपी सरकार के और बीजेपी और जेजेपी सरकार खट्टर दुष्यंत सरकार के बाद विकास में तो पिछड़ गया है। आज 19वें नंबर पे हम विकास दर के हिसाब से, नीति आयोग बता रहा है, मोदी सरकार भाजपा दिल्ली की सरकार बता रही है 19वें नंबर पे विकास दर में, गांव का विकास शहर का विकास आज जींद में शहर का देखें हम जींद के गांव का देखें, विकास दर में तो पिछड़ गया है, लेकिन आगे पहुँच गया देश में नंबर 1 पहुँच गया बेरोजगारी, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, बड़े आश्चर्यचकित करने वाली बात, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा जो देश में रोजगार देने का एक उदाहरण प्रदेश बनना चाहिए जिसको, वो आज बेरोजगारी में देश में सबसे आगे, ना तो निवेश हुआ ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि IMT नहीं बनेंगी कोई, हम एक्वायर नहीं करेंगे, ना निवेश हुआ, ना प्राइवेट कंपनियाँ ना इंडस्ट्री कंपनियाँ आई, ना सरकारी रोजगार उस अनुपात में आए जो आए, भर्ती घोटालों के भेंट चढ़ गए, हरियाणा प्रदेश का नौजवान दर दर ठोकरे खा रहा है, बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहा है, वही हरियाणा प्रदेश
आज भ्रष्टाचार में प्रतीक बन गया देश में, ऐसा खुला भ्रष्टाचार हमने कहीं नहीं देखा जो हरियाणा प्रदेश में आप देख रहे हो। इनका जो समझौता हुआ, जेजेपी ने समर्थन दिया बीजेपी को, आपको पता है ये समझौता कोई आदर्शों के, मूल्यों के और राजनीतिक नैतिकता के आधार पर समझौता नहीं हुआ। ये समझौता केवल भ्रष्टाचार की लूट के छूट के आधार पर हुआ। कौन सा महकमा किसको थ्याएगा, कौन किस महकमे से कितनी कमाई करेगा, इस आधार पर समझौता हुआ। इस आधार पर समझौता नहीं हुआ, लोगों के काम कैसे कराएंगे, प्रदेश को ऐसे आगे क्यों लेके जाएंगे। क्योंकि आपको पता है इलेक्शन से पहले तो अलग अलग बातें लेके लोगों इन्होंने चुनाव लड़ा था। एक कहता था, बीजेपी का नारा था इलेक्शन से पहले 2019 इलेक्शन से पहले, खट्टर साहब का बीजेपी का नारा था, क्या कहते थे, 75 पार कहते थे कि नहीं कहते थे, 75 पार कहा करते। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार, क्या करता कि नहीं क्या करता बीजेपी वाले। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता बीजेपी को करो करो जमुना पार। इलेक्शन आते, इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के। यार बन गए कि नहीं बन गए, दोनों बन गए, दोनों बन गए जमा पक्के। यार प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता करी हाहाकार और महकमे बांटे गए और खुला खेल चला। ये नहीं कि काम कैसे हो, ये कि भी कमाई अपनी कैसे हो। शराब का महकमा कौन लेटेगा, किसके पास आएगा, एक्साइज का महकमा किसके पास आएगा, रजिस्ट्री का महकमा किसके पास आएगा। और हम क्या बताएं, ये बीजेपी और जेजेपी के विधायक ही बता देंगे सारी बात। कहानी सुनी है तो दादा गौतम बता देंगे कौन खोपर टेकला जी मन लग रहा है, सारी रिपोर्ट ले रहा है। सही बात है ना, खुला भ्रष्टाचार, इस आधार पर समझौता हुआ, प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए नहीं हुआ। और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हरियाणा प्रदेश, आज बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, लूटने लगे, महंगाई में, हर घर का बजट बिगाड़ दिया। हमारे समय एक ऐड आती थी बीजेपी की, जब हमारी सरकार थी, 400 रुपये का सिलेंडर था, फोटो आती थी सिलेंडर की और ऊपर लिखा होता था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार। मेरा विश्वास है सरकार बदली, सबसे बड़ी ऐड थी बीजेपी की तो सिलेंडर 400 से सस्ता हो गया होगा, हैं? मेरा कि मेरा पूरा विश्व 400 से सस्ता हो लिया होगा, सिलेंडर नहीं हो लिया हैं? ना ताई तेरी नहीं मानूंगा, जची नहीं मेरे, क्योंकि आजकल दूसरी ऐड चल रही है, आजकल दूसरी ऐड चल रही है, महंगाई भ्रष्टाचार, महंगाई हुई कम भ्रष्टाचार हुआ, महंगाई हुई कम बेरोजगारी हुई कम बीजेपी में दम। तो या तो मैं ऐड की मानूँ, ठीक बात है ना, या तो टीवी पे ऐड की मानूँ या थारी मानूँ। टीवी पे ऐड देख के तो नहीं दिखता भाई सिलेंडर 400 से कम होगा, पत्रकार बाकी सारी डोज तो लेंगे, बाकी तुम भुगत भोगी हो। तो आज हर घर का बजट बिगड़ गया, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई विकास की पट्टी से उतर गया। लेकिन जो सबसे दुख की बात हरियाणा प्रदेश के लिए है कि ऐसी सरकार आई जो अहंकार और घमंड में काम नहीं भी करते, लोग काम चला लेते हम, और काम नहीं भी करते, सबका मान सम्मान रखते, सबका मान सम्मान रखते, सबकी सुनते, सबके दुख सुख की सुनते तो भी चला लेते। लेकिन ऐसे लोग हरियाणा प्रदेश में इतने अहंकार में, भ्रष्टाचार में तो जुट गए और लोगों को भूल गए और हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। पहली बार हर वर्ग को इतना अपमानित होना पड़ा है। किसान एक साल तक, किसान आंदोलन में एक साल तक सड़क पर बैठा रहा, 750 घरों के चूल्हे बुझ गए, चिराग बुझ गए, 750 लाश वापस आई इन धरनों से किसान आंदोलन में। लेकिन किसी ने सुध नहीं ली, किसी ने पूछा भी नहीं। हमारे जैसे जब देश की संसद में जाते थे, कहते थे कि इन किसान, ये भी देश के नागरिक है, ये भी इंसान है, आप इनकी बात नहीं मानते तो कम से कम संवेदना के दो शब्द कह दो, सहानुभूति के दो शब्द कह दो इनके लिए, आप कह दो कि आप इनकी बात नहीं मानते। लेकिन हमें दुख है कि इतना धरना देना पड़ रहा है और एक एक लाशें जो वापस जा रही हैं 750, किसी का कोई बाप था, कोई किसी का बेटा था, किसी का भाई था, कोई किसी का पति था, एक एक घर में जाकर उसके बाद हम उनसे आंसू पोंछते थे। और मैं धन्यवाद करता हूँ हुड्डा साहब का इस बात में कि पूरे देश में फैसला लिया कि इन परिवारों को अकेला नहीं पड़ने देंगे, 2-2 लाख की कांग्रेस विधायक दल की तरफ से सारे इकट्ठे करके 2-2 लाख की मदद करेंगे, क्योंकि उनको कोई पूछने नहीं आ रहा था।
वो भी किसी का परिवार थे, उनके जाके हम मदद करते थे, आंसू पोंछते थे। और जब जाके संसद में इनकी बात कहते थे तो संसद के अंदर मजाक उड़ाया जाता था, खिल्ली उड़ाई जाती थी, ताने मारे जाते थे, निशाने पे लिया जाता था, अपमानित करने का काम किया। किसान एक साल तक बैठा रहा, किसान को अपमानित किया। गरीब मनरेगा का बजट एक तिहाई कर दिया, ग्रामीण चौकीदार सफाई कर्मचारी करनाल में गए, उन पर लाठीचार्ज। हमारे प्रदेश का कर्मचारी अभी एक दो हफ्ते पहले कर्मचारी जा रहे थे पंचकूला में ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पर लाठीचार्ज। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे 9 साल तक स्कूल में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, बच्चों को धरने बैठना पड़ा। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार में सड़क पर आया ना, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई, 5 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई। उनको प्रदर्शन निकालना पड़ा, धरने निकालने पड़े। रोहतक में एक प्रदर्शन निकल रहा था जिसका नाम रखा जा रहा था कि थारा फूफा जिंदा है, वो मृतक घोषित हो गए थे, उनका एक प्रदर्शन का नाम था, आपने भी देखा होगा। बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक, किसान से लेकर कर्मचारी तक, व्यापारी छोटे व्यापारी से लेकर मजदूर तक, और मजदूर से लेकर खिलाड़ियों तक, हमारे देश की शान खिलाड़ी जो ओलंपिक के सारे मेडल विजेता, उनको भी बैठना पड़ा जंतर मंतर पे। और वो भी जब जंतर मंतर पे बैठे तो उनका भी अपमान, एक बीजेपी के एमपी ने कहा कि ये एक विशेष प्रदेश से हैं। अरे ओलंपिक में जब मेडल जीत रहे थे, जब ओलंपिक में देश जनगण मन का गाना पूरी दुनिया में गूंज रहा था, तिरंगा पूरी दुनिया में ऊपर उठ रहा था, तब तो उनका कोई, वो कहाँ से आते हैं, कौन है, किस परिवार से आते हैं, उस समय तो कोई नहीं पूछ रहा था। लेकिन जब वो उनके उनके मान सम्मान इज्जत 9 साल से पदक ला